प्रेगनेंसी पीरियड में वुमेन्स को पेट के निचले हिस्से में दर्द होना बहुत ही आम बात होती है। हर वुमेन्स को जिसकी भी प्रेगनेंसी है या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या फिर सेकेंड प्रेगनेंसी हो, उसको पेन होता ही होता है। हर वुमेन्स को वेजाइना में पेन होना बहुत नॉर्मल है। तो ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैंने इस पेन को खुद फेस किया है और मेरे सेकंड डिलीवरी के टाइम में यानी सेकंड बेबी के टाइम में मुझे वेजाइना में इतना ज्यादा पेन होता था कि मैं अगर लेटी हूँ उसके बाद उठकर खड़े होना मुश्किल हो जाता था। मैं एकदम रोने लगती थी, इतना ज्यादा मुझे पेन होता था। जबकि मैंने अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, बताया उनको, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया इसके लिए। बोले ऐसा नॉर्मल है, होता है, हर किसी को होता है। उसके लिए उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं दी। तो मैंने पूरे टाइम इस पेन को फेस किया है, झेला है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में हमारी वेजाइना में या पेट के निचले वाले हिस्से में भारीपन क्यों महसूस होता है, हमको दर्द क्यों फील होता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जब हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है उस टाइम में हमारा यूट्रस या कह लीजिए बच्चे रानी एकदम छोटी से एक नाशपाती के शेप का होता है, उससे बिल्कुल भी उसका साइज बड़ा नहीं होता है। और जब हमारी प्रेगनेंसी आती है तो जैसे जैसे हमारा बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे हमारी बच्चे रानी वो बड़ी होकर एक बड़े तरबूज का आकार ले लेती है, जिसकी वजह से हमारे पेट के निचले हिस्से में कह लीजिए या फिर वेजाइना में भारीपन महसूस होता है और उसी वजह से हमको दर्द भी फील होता है। हमारा सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में एक तरह का रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेजाइनल एरिया वाला पार्ट होता है वो थोड़ा स्पेसियस हो जाए, वहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं थोड़ा ढीले हो जाए, ताकि जब हमारी डिलीवरी का टाइम आए यानी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आए तो बच्चा हमारा आसानी से बाहर आ सके, उसको इतना स्पेस मिल सके कि वो अच्छे से तुरंत बाहर आ जाए और हमको ज्यादा पेन ना हो। ये हार्मोन हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारे सारे जो डिलीवरी के लिए जरूरी होते हैं जिन अंगों को ढीला होना, तो वो धीरे धीरे सारे ढीले होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमको वेजाइना में काफी ज्यादा पेन होता है और उसके लिए हम कोई मेडिसिन या कुछ ले भी नहीं सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी पीरियड में, जिसकी वजह से हमारे सारे पेल्विक एरिया के जो पार्ट होते हैं यानी पेल्विक एरिया वाला जो पोर्शन है वो सारी मसल्स हमारी लूज होने लगती हैं, धीरे धीरे करके वो लूज होती जाती हैं, एकदम शिथिल पड़ जाती हैं, ताकि डिलीवरी हमारी बहुत ही इजीली बहुत अच्छे से हो सके। तो उसकी वजह से भी हमको वेजाइना में काफी ज्यादा पेन महसूस होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम में कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि उस टाइम में कई बार होता है हमको वॉमिटिंग वगैरह नाजिया बहुत ज्यादा रहता है और हम कुछ खा पी भी नहीं पाते, कुछ लिक्विड नहीं जाता है। और अगर लिक्विड हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, कुछ हम सही से खा नहीं पाएंगे या जो भी हमने खाया है वो वॉमिट हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन काफी ज्यादा हो जाता है और उस वजह से भी हमारे पेट के निचले हिस्से में काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है। प्रेगनेंसी पीरियड में फ्रेंड्स यूरिन इन्फेक्शन या फिर यूटीआई कह लीजिए होना बहुत ही नॉर्मल होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना बहुत नॉर्मल बात है, इसी तरह ये भी बहुत ही नॉर्मल है। इसकी वजह से भी हमको वजाइना में काफी ज्यादा पेन होता है। प्रेगनेंसी के पीरियड में फ्रेंड्स हमारा जो रेजिस्टेंस पावर होता है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी इन्फेक्शन छोटा मोटा इन्फेक्शन भी होता है तो वो हमको बहुत ही जल्दी जकड़ लेता है। उसी में से जैसे ये यूरिन इन्फेक्शन या फिर यूटीआई होना बहुत कॉमन है और इसकी वजह से भी हमको पेट के निचले हिस्से में दर्द होना बहुत आम बात है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, कई बार बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा होता है जिसे शॉर्ट सर्विक्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से भी हमको वेजाइना में पेन होना नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमको अपने इस वेजाइनल पेन या फिर पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम कौन कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हमको ये पेन ना हो। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स बहुत ही नॉर्मल है और इसको करने के लिए आपको कोई स्पेशली टाइम नहीं निकालना है, कोई स्पेशली जगह नहीं चूज करनी है, या आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम, यहाँ तक कि अगर आप बाथरूम करने गए हैं उस टाइम भी आप कर सकते हैं। आपको इसमें करना क्या है, जब भी आप लेटे हो, बैठे हो या यूरिन पास करने गए, कहीं पर भी जहां से आप यूरिन पास करते हो आपको उस एरिया को सांस खींचकर अंदर की तरफ खींचना है,
ऐसे करना है, आप सांस खींचेंगे और उस एरिया को अंदर की तरफ खींचेंगे और 10 टाइम्स, पूरे 10 टाइम्स आपको काउंट करना है। जब 10 टाइम्स होगा उसके बाद आपको छोड़ देना है। तो आपको ऐसे डे में लगभग 4200 तक करना है, जितना आप कर पाओ। मिनिमम आपको 40 टाइम्स करना ही करना चाहिए, उससे ज्यादा आप जितना कर पाओ, क्योंकि इसमें कोई खास एनर्जी नहीं लगती है और ना ही कोई टाइम की वो है। कहीं पर भी आप किसी भी टाइम कर सकते हो। इससे आपके मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको वेजाइनल पेन में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज से ना फ्रेंड्स, आपको डिलीवरी के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको ये खासकर प्रॉब्लम आती है एक टाइम के बाद कि जैसे उनको बाथरूम बहुत तेज लगी है और वो कंट्रोल करना चाहते हैं, थोड़ी देर वेट करना चाहते हैं या फिर रोकना चाहते हैं, तो वो रोक नहीं पाते हैं, अपने आप छूट जाती है या फिर वजाइना में ढीलापन आ जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, हमको ढेर सारा लिक्विड इनटेक अपना रखना चाहिए, यानी ढेर सारा लिक्विड चीजें हमको पीना चाहिए। उसके लिए आप जूस ले सकते हो, जो भी जूस आपको पसंद हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, प्लेन वाटर ले सकते हैं, जो आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आपको पीना चाहिए। जितना ज्यादा आप लिक्विड लेंगे आप यूरिन इन्फेक्शन से भी दूर रहेंगे, और जितना ज्यादा आप बाथरूम जाएंगे यानी कि आपको टॉयलेट आएगी, तो आपको पेट में यानी पेट के निचले हिस्से में या वेजाइना में दर्द होने के कम चांसेस हो जाते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, आप खुद को बहुत ज्यादा एक्टिव रखिए, जितना ज्यादा एक्टिव रख सकते हैं। जैसे मॉर्निंग वॉक करिए, दोपहर में आप किसी भी टाइम फ्री हैं आप नॉर्मली ऐसे इधर उधर टहलने लगिए, भले ही आप 1 मिनट 2 मिनट टहलिए, लेकिन आप अपने आप को एक्टिव रखिए। शाम को थोड़ा सा आप अपने पार्टनर के साथ बाहर निकल सकती हैं, गार्डन में जा सकती हैं, और जैसे मॉर्निंग में आप योगा करिए, अपने डॉक्टर से सलाह करके, अगर उस बोलती हैं आपको, अलाउ करती हैं आपको, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप योगा नहीं कर सकते हैं, तो आप योगा जरूर करिए। इससे आप पूरी तरह से फिट रहेंगी और आपको वेजाइनल पेन में काफी आराम मिलेगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, बिना मतलब में हमको खड़े नहीं रहना है। कई बार ऐसा होता है कि जो वुमेन्स होती हैं उनका काम खत्म हो गया है, यानी किचन का काम खत्म हो गया, जो भी उनके काम थे सारे फिनिश हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कई बार 1-1 घंटे तक या फिर काफी देर तक खड़ी रहती हैं, ऐसे बातें करती रहती हैं, जैसे सामने कोई भाभी आ गई, कोई भी मतलब फ्रेंड्स आ गई, बस वो खड़े हैं बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप फ्री हो जाती हैं, आपके काम खत्म हो जाते हैं, तो बिना वजह आपको खड़े नहीं रहना है। आप आराम से बिस्तर में बैठिए, सोफे में बैठिए, जिस भी चीज में बैठना है बैठिए, लेकिन पैर फैलाकर बैठिए और कोशिश करिए कि पैरों के साइड आप कुछ ऊंचा रखें, या पिलो रख लीजिए, जैसे डबल ऐसे डबल पिलो रख लीजिए, उसके ऊपर पैर रख लीजिए, या फिर आप कोई छोटा सा स्टूल रख सकते हैं उसके ऊपर पैर रख लीजिए, या फिर चेयर रख लीजिए। कुल मिला के आपको पैरों को ऊंचाई देनी है। जब आपके पैर हल्का ऐसे ऊंचाई से रहेंगे तो उससे भी आपको वेजाइना में पेन में काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा, और पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।